71वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से सभी नगरवासियों को तथा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ये आशा करता हूं कि हम इस स्वतंत्रता दिवस के साथ आगे आने वाले समय में उत्तरोत्तर सुधार करेंगे और नगरवासियों को 24 घंटे बिजली देने की हम लोगों की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरी शिद्दत के साथ करने का पूरा प्रयास करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। रामपुर गल्ला मंडी में आज एक मजदूर की मौत हो जाने से मंडी में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने दुकानदार पर लगाया हत्या का आरोप। कई घंटे मामला निपटाने के लिए पंचायत का दौर चला लेकिन समझौता नहीं हो पाया। तब देर रात पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वीओ रामपुर कोतवाली की गल्ला मंडी में सतेंद्र कुमार की अनाज की दुकान है। उस पर कई सालों से दिनेश कश्यप निवासी कुतुब मियां का फाटक मजदूरी का काम था। आज सुबह उसको दुकान मालिक सतेंद्र कुमार ने मजदूरी के लिए बुलाया था। दिनेश गाड़ी से माल उतारकर दुकान के अंदर चला गया तो कुछ देर बाद जब दुकान मालिक दुकान के अंदर गया तो उसकी नज़र दिनेश पर पड़ी तो उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और वह मर चुका था। दुकान मालिक ने इसकी सूचना दिनेश के परिजनों को दी। परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और दुकान मालिक से जानकारी ली। उसके बाद कुछ लोग बीच में पड़ गए कि ये मामला ऐसे ही निपट जाए। फिर कई घंटे पंचायत का दौर चला। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के तौर पर 15 लाख की मांग की लेकिन दुकान मालिक ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। तब देर रात परिजनों ने दुकान मालिक सतेंद्र कुमार और उसके बेटे तन्नू के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मृतक दिनेश के बेटे ने कहा कि सुबह उनके पिता के पास गल्ला मंडी से फोन आया था, वह वहां गए थे और उनको किसी ने मारा है, उनके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। उनकी पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। अच्छा, फिर वो गए रात को जी गए तो क्या लगते सुबह पता नहीं किसी ने मारा उनको, मारा है किसी ने, सभी हाथ सभी खून निकल लिया, सभी मैंने उठाया था उनको सभी। अच्छा, तो किसके यहाँ पर काम करते थे गंज में? सितंदर सतेंदर के यहाँ पर। अच्छा, तो उन्होंने फोन किया था सुबह 3 बजे? उन्होंने ही करा होगा। फिर इसकी जानकारी कैसे हुई कि उन्हें कुछ हो गया? तुम्हें हमारी गली में मंडी में काम करते हैं वो गए। अच्छा, तेरे पापा को चोट लग गई है, मैं कपड़े पहन गया सभी ऐसी। अच्छा, सब ऐसी चला गया, मैं साइकिल सही साइकिल वो खड़ी है, जब मैं गया तो चोट लगी थी उनसे सभी ऐसे, सब ऐसे गर्दन उल्टी थी, सभी दांत वांत सब निकले थे, आँख खुल रही थी ऐसे, मैंने उठा ला, सब बोले ऐसे तमाशा देख रहे थे। तो उन्होंने नहीं बताया था तुम्हें फोन करके? किसी ने नहीं बताया, सब ऐसे तमाशा देख रहे थे।